पुनः आपकी सेवा में एक गीत पढ़ रहा हूं, आइए सुने। बिल्कुल बिल्कुल, एक गीत बजा, कौन सा? और गाया पूरी दुनिया वालों ने। कहा अरे जाने कब मैं प्यार करूंगी, जाने कब मैं प्यार करूंगी, हर हर कब सुने सोने सिंगा, अरे मुख देखूंगी जिसमें, मुख देखूंगी जिसमें वो दर्पण कैसा होगा, होगा होगा जिसमें मुख देखूंगी वो दर्पण कैसा होगा, दर्पण जैसा भी हो मेरा साजन कैसा हो, आए हवा हो ये बता, आए हवा ये बता, और क्या तुझ है पता, अरे अब की बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा, अब की बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा, सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा हो, जैसा कि हमने देखा, आवाज बढ़ा दीजिए, देख लो कम हो गई है, कम करते नहीं, बस देखे रहिए, कभी कभी कम हो जाती है। और मैं तो ये चाहता हूँ इतना बढ़िया साउंड सर्विस है, मेरा मन कर रहा है ताली बजा दीजिए, अब बढ़ा दीजिए, अब बढ़ा दीजिए, क्या बात है भैया जी, देखा सोचा चिंतन किया, एक बात निकल कर आई और अलग बात निकल कर आई, बिल्कुल बिल्कुल हटकर, भैया जी भैया ए भैया, एक बात निकल कर आई और मैं दावा तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन उम्मीद है कि ये आप सबके लिए नई बात हो, कहना पड़ा बहन जी, अरे रूप चांद सा, क्या बात है, ये
क्या बात है, क्या बात है। भोलेनाथ का डबरू, इसको कहते हैं शुद्ध शाकाहारी डबरू। क्या बात है बेटे, क्या बात है। अरे रूप चांदे सा चमक रहा है। अरे बड़े भैया पवन वाजपेयी जी की तरफ से ये भैया हर्षित के लिए ये 101 प्रबंध बताए, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं चाहता हूँ कि भैया को अपनी ढोलक से धन्यवाद दो। बिल्कुल ढोलक से धन्यवाद दो। क्या बात है। अरे हर फूल को रात की रानी नहीं कहते, हर किसी से दिल की कहानी नहीं कहते, हर बात समझ लेना मेरी आंखों की नमी से, क्योंकि हम हर बात जुबानी नहीं कहते। ये भैया जी सन्नाटा फैल गया। शशि प्रकाश सिंह नमा खेड़ा कीर्तन गायक कलाकार 21 रुपए चारे चंदा ले आओ। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद है। और बिल्कुल आपकी इस उम्मीद पर पानी नहीं फिरने देंगे हम कलाकार, लेकिन समय के हिसाब से बिल्कुल देखें। एक बात सुने, अगर आनंद आ जाए तो आशीर्वाद। बिल्कुल रूप चांद सा चमक रहा है, और किसका किसका बिना फूल के वो महक रहा चांद सा चमक रहा है, बिना फूल के महकता है। आप सब लोग जानते हैं वो है क्या, क्या है, है क्या, सुने। वो ईश्वर का बंधन करवाता और नाम से है चंदन कहलाता। क्या बात है, चंदन, चंदन की लकड़ी में इतनी खुशबू। भैया जी तो कहना, रूप चांद सा चमक रहा है वो बिना फूल के महक रहा है, ईश्वर का बंधन करवाता नाम से वो चंदन कहलाता। तो बहन जी हाँ, एक मन में कल्पना जगी, कौन सी, और सोचा हाँ, क्या अरे सुंदर सरल सुघर तब तो, सुंदर सरल सुघर तब तो ये स्वर्ग के जैसा होता होता होता। अरे बिना फूल के ऐसा है तो संग फूल के कैसा होता। मुझे लगता है खुशबू फूलों से आती है, कोई कोई कह देता कागज के फूलों से आती है, लेकिन जब फूल हो ही ना तो खुशबू तब खुशबू। तो सोचा कैसा होता, कैसा सुंदर सरल सुघर तब तो ये स्वर्ग के जैसा होता। अरे बिना फूल के ऐसा है संग फूल के कैसा अरे पुनः
दादा श्री के कर कमलों से ये पूरे मंडल को आशीर्वाद मिला है। हृदय से धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीर्वाद स्वरूप चंदन बिना फूल के महक रहा है। दूसरी पंक्ति सुनिएगा। अरे वन उपवन चाहता हूं आप दो मिनट के लिए यहां आ जाए, आपके लिए भी आ गया है। हमको लगता है गुस्से में बज रहे हो क्या? ये परमादरी भीमा बाबा समिति बसहा तिराहा मोरावा आपके कर कमलों से ये कुछ आशीर्वाद बड़े भैया राजू जी संजय भैया के लिए हृदय से साधुवाद है, धन्यवाद है। सुने आप लोग वन उपवन में पाया जाता क्या क्या ये पेड़ कई कामों में आता। कौन सा पेड़? कौन सा बिना ये बिना बीज के बढ़ता जाता, सबके अंतर मन को रिझाता। इस पेड़ में बीज नहीं होता, ये बिना बीज के उगता है। ये कौन सा पेड़ है? लेकिन बिना बीज के बढ़ता जाता, सबके अंतर मन को रिझाता। लेकिन ये होता इतना बड़ा है तो कहना पड़ा क्या? अरे छू लेता क्या अंबर तक, कुछ ऐसा वैसा होता। पेड़ कौन सा? कौन सा? नाम आप लोग जानते होंगे, अंबर बेल। इतना लंबा फैलता है लेकिन अधिकतर बबूल के पेड़ में लगता है। पीला पीला सोचा छू लेता क्या अंबर तक, कुछ ऐसा वैसा होता। अब वो बिना फूल का था तो, और बिना बीज के ऐसा है तो बीज से पैदा। के लिए 51 पसंद है और मेरे लिए 51 बड़े भैया पवन बाजपेयी जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। पहला चंदन लेकिन बिना फूल के महका, दूसरा अंबर बेल बिना बीज के बढ़ता। एक बात और सुनिएगा, बिल्कुल अगर आनंद आ जाए, आनंद आ जाए तो आशीर्वाद। अरे ग्रामीणों भैया, अरे ग्रामीणों ने इसे खूब उगाया। ग्रामीण लोग इसको उगाते हैं अपने खेतों में और पारिश्रमिक भी खूब कमाया। अब वो है क्या? कहीं कहीं इसको लोग अरे रस पी कर आनंद मनाते, तो कहीं चूस चूस कर इसको खाते। गन्ना और गन्ने की लकड़ी इतनी मीठी, तो प्रश्न उठा दिमाग में,
रस पी कर आनंद मनाते, चूस चूस कर कहीं है खाते। तो सोचा अति मीठा स्वादिष्ट अचल अमृत रस जैसा होता है। तो प्रयास और फल के बिना इतना मीठा फल होता है। आपने मेरे कटपीस का गीत का बहुत बढ़िया जवाब दिया। मंच पर हर व्यक्ति अच्छे से अच्छा जवाब देना चाहता है, तो जो आपने जवाब दिया बहुत बढ़िया दिया। अब आइए मैं आपके प्रश्न का जवाब देने जा रही हूँ। तर्ज है आपकी बहुत सुंदर। ए घटा है हो मेरा साजन कैसा हो। क्योंकि फिल्मी लाइनें कहती हैं, कब मैं किसी से प्यार करूंगी, कब सोला श्रृंगार करूंगी, कब मैं किसी से प्यार करूंगी, कब सोला श्रृंगार करूंगी, मुखड़ा देखूंगी जिसमें ओ मुखड़ा, ओ मुखड़ा, मुखड़ा देखूंगी जिसमें वो दर्पण कैसा हो। श्री अजय अनुरागी जी, जो कि बहुत बढ़िया कीर्तन के कलाकार हैं, इतना टाइम आपने दिया, बहुत टाइम दिया आपने हम लोगों को सुना, तो गाने का बड़ा जोश रहता हम समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप इतनी देर यहाँ बैठे, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और जल्द ही हम लोग मंच पर मिले ये मैं कामना करती हूँ। आमने सामने सुनिएगा, आपने चंदन दिखाया या है। चंदन, कि चंदन में खुशबू है जबकि उसके पास फूल नहीं है। आपने अमर बेल दिखाई, बहुत अच्छा गीत है आपका, बहुत छोटे रूप में जवाब दे रही हूँ। ओके, टाइम को देखते हुए दो चीजें हिला रही हूँ, एक है हीरा
और एक है कोयल। अब हीरा और कोयल के माध्यम से कैसे जवाब दूंगी सुनिएगा। ज्योति सूर्य की उसने न पाई, विश्वास है भैया। अरे कीर्तनकार भैया नाम नहीं जानते। अरे भाई साहब, भाई साहब डायरी वाले भैया, मेरा छोटा भैया ऐसा है तो बड़ा भैया कैसा होगा। सुनिएगा, पहला जो अंतरा गा रही हूँ उसमें मैं आपको हीरे के बारे में बता रही हूँ, आपके गीत की विधा को पूरा करते सुनेगा बहुत अच्छा लगेगा। ज्योति सूर्य की उसने न पाई, फिर भी उसकी छवि मन भाई, हीरा जब मंगाता है उसमें चमक होती है, विलक्षण चमक के कारण ही हीरे की कीमत बहुत होती है, सोने से महंगा हीरा। सुनिएगा, उसके कैम की है ये कमाई, कहते उसको हीरा भाई, रोशनी उसके साथ नहीं है फिर भी इतना चमकता है, रवि की रोशनी बिन ऐसा तो रोशनी संग कैसा हो। सूरज की रोशनी हीरे के साथ नहीं है फिर भी चमचमाता है, अगर अंधेरे में आप हीरा देख लें, असली हीरा देख लें, तो चारों तरफ रोशनी रोशनी हो जाती है। तो जो सूरज की रोशनी के बिना इतना चमकता है, अगर उस रोशनी साथ हो तो वो कैसा होता। एक और चीज आपको सुना रही हूँ, यानी कोयल से जवाब दे रही हूँ, सुनिएगा। बिन संगीत के गीत सुनाए, बिन संगीत के गीत सुनाए, वो संगीत ना सीखने जाए। कोयल कहीं पढ़ने नहीं जाती संगीत, तो फिर भी सबके मन को भाए,
वो जग में कोयल कहलाए। बिना शिक्षा लिए जब वो इतना मीठा बोलती है तो सुनिएगा जरा ध्यान से, यदि संगीत की शिक्षा पाती, यदि संगीत की शिक्षा पाती तो ये माहौल फिर कैसा होता होता होता। बिन संगीत के ऐसा स्वर है, बिन संगीत के स्वर ऐसा संगीत से कैसा हो। बोली राज रामचंद्र की जय हो।